शांति। आज की तारीख है 3/1/23। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे। यह सृष्टि व जमाना दुख का है, जहाँ दुख प्राप्त होता है तो वहाँ क्या किया जाता है। उस जमाने से और उस सृष्टि में फिर मोह नहीं रहता, क्योंकि वो दुख देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इससे नष्टो मोहा बनो। अगर नष्टो मोहा बनेंगे तो दुखी नहीं होंगे। नए जमाने को याद करो, जो आने वाली नई सृष्टि जिसका नव निर्माण स्वयं भगवान कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं उसे याद करो। बुद्धि योग इस दुनिया से निकाल, नई दुनिया से लगाओ। प्रश्न है, कृष्णपुरी में चलने के लिए तुम बच्चे कौन सी तैयारी करते और कराते हो? उत्तर है, कृष्णपुरी में चलने के लिए सिर्फ इस अंतिम जन्म में सब विकारों को छोड़ पावन बनना और दूसरों को बनाना है। पावन बनना ही दुख धाम से सुख धाम में जाने की तैयारी है। तुम सबको यही संदेश दो कि ये डर्टी दुनिया है, गंदी दुनिया है, इससे बुद्धि योग निकालो तो नई सतयुगी दुनिया में चले जाएंगे। जो बाबा नव निर्माण कर रहे हैं, गीत बजा है, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर 1, देह के सब धर्मों को छोड़ अशरीरी आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। योग और ज्ञान की धारणा से आत्मा को पावन बनाना है। नंबर 2, बाप जो नॉलेज देते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर सबको बाप का पैगाम देना है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान सतगुरु शिव परमात्मा पिता का, बाप के कदम पर रखते हुए क्या अपना कदम परमात्म दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भव। बाबा कहते हैं कि आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा की आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखने वाले ऐसे आज्ञाकारियों को ही सर्व संबंधों से परमात्म दुआएं मिलती हैं। यह भी नियम है, साधारण रीति में कोई किसी के डायरेक्शन प्रमाण हाँ जी कहकर यदि कार्य करते हैं तो जिसका कार्य करते उसकी दुआएं उनको जरूर मिलती है। ये तो परमात्मा दुआएं हैं ना, जो आज्ञाकारी आत्माओं को सदा डबल लाइट बना देती है। स्लोगन है, दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो तो साधारणता समाप्त हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम
शांति।